भाई तीन। लो चार। अरे यार पटवारी साहब आ रहे, तहसीलदार साहब आ रहे हैं, ठंड फूक है यार, यूं ताश बंद करा। अरे पटवारी साहब, तहसीलदार जी नमस्कार जी, नमस्कार। अरे भाई क्या हो जगह कुछ नहीं क्या आज भाई, ये ताश तो चलना चल बाजार में। अजय साहब कौन से ये बाजार में ताश चलना चाहिए, उत्तराखंड का हर बाजारों में ताश चलना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए, पर आप बताओ दी कि आप क्या बने को। अरे ताऊ जी, भाई साहब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम चलाई है, जय में कि ऊक मनुचा कि हम दो हमारे दो। अगर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ेली तो वहां से बेरोजगारी बढ़ेली, शिक्षक को अभाव हो, लूट खसोट होली, तो वहां से हम तक कि परिवार नियोजन को रास्ता अपना पड़ा, और वहां में सबसे कारगर छ नसबंदी। तो आप लोगों तक की नसबंदी करान चाहिए चे। और नसबंदी करान में सरकार पैसा देनी छ। पटवारी जी माफ करे ना, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आप लोगों से? पूछो पूछो, कोई संकच पूछो आप। आपन नसबंदी करे? ना भाई मिलते नहीं करा। तो तहसीलदार साहब तो करे ही बोली। अरे ना भाई उनके लिए कराने ना। तो आपा का जो डीएम छन कमिश्नर साहब छन उन तो करे बोली। ना भाई उन्हें नहीं कराए। अत या मतलब कि जो स्वास्थ्य विभाग का सचिव छन जो योजना बड़ा है उन तो कराए बोली। अरे भाई उन भी नहीं कराए। तो या को मतलब नेता जिन तो जो मंत्री छन स्वास्थ्य विभाग का ऊंट जरूर नसबंदी कराए वाली। देखो बात इंचा कि हम सभी लोग शिक्षित छो और जागृत छो, और हम तक कि ई बात को अच्छो ज्ञान छे कि परिवार नियोजन कन हुन और कन करे जान, ये वास्ता हम तक ये करने जरूरत नहीं, और हम तक इले ही भेजे गया सरकार द्वारा कि हम आप लोगों में ई बात की जागृति फैला दे। तहसीलदार साहब माफ करें, आप अगर यन करोड़ों रुपया लाखों रुपया सिर्फ हम ते जागृत करना वास्ते खर्च करने, यहाँ से अच्छो हम ते शिक्षित करा दो, यख कॉलेज खोला इंस्टीट्यूट खोला, तब तुम ते जागृत करने पर इतना करोड़ों रुपया किला खर्च करना पड़ला। अरे भाई शिक्षा विभाग द्वारा पहली ईदगाह स्कूल और कॉलेज खोलिया छी है, वही बांझ पढ़ना छी, और तुम बना छी कि और स्कूल खोलो। अरे साहब तुम यू तो स्कूल बने हैं, ये कोई स्कूल छन? अरे ये तो वन वेगी कि सरकार ने हमके गाड़ी तो दिए पर ड्राइवर है नहीं, दुकान तो खोले पर सामान है नहीं, यू स्कूल की हालत देखी तो बोल। अरे यू वो स्कूल छन जखा का मास्टर जो वक्त पढ़ो ना वही अपना बच्चों था वो स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा है। अरे यख अफसर तो छोड़ा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी चौथा दर्जा भी छा तो वो भी अपना बच्चों था यू स्कूल में नहीं भेज दो, हमारे यूँ स्कूल में कोई आईएएस आईपीएस बन गन, यानी हम जब ताश खेलते तो बन गन ना। आप लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ हम तक जागृत करने में खर्च करने, अरे वहाँ से कम पैसा माना अगर आप ये शिक्षा पद्धति तय बदल देला तो हम तक आप तक जागृत करने जरूरत नहीं, हमका सिर्फ अच्छी शिक्षा पद्धति दिया यू खर्चा आप वन ही बच जा लो। क्या मैं गलत बन जाऊँ आपते? नहीं बिल्कुल ठीक बना छो। और दगड़ियों आप ही बोला, अगर आपको मेरी बात ठीक लगी और सही लगी तो ये वीडियो तो इतना शेयर करें कि शायद सरकार अपनी शिक्षा नीति के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचो। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।